अरे क्या हो गया, तब परेशान क्यों हो रहा है? बीवी ने फिर मारा क्या तुझे? आज तो नहीं मारा, लेकिन लगता है मारी डालेगी। क्यों, ऐसा क्या हो गया? अरे मेरी घड़ी याद है तुझे, वो सिल्वर डायल वाली? ये देख, 47, 57, 43, 56 होगी, तो इन्हीं चारों लाशों के पास ही होगी। आज ही लेकर के आया यार, मुर्दा तेरी घड़ी थोड़ी चुराएंगे, यही होगी तू ढूंढने में। ये 43, हाँ ये भी लेकर के आया था भाई। घड़ी नहीं मिली तो बीवी पूरी तरीके से जान मार देगी मेरी। तो 44 आगे होगा, आगे देख उसमें 49। अरे कहाँ गया वो 51? ये तो यही होता है वो 57। हाँ ये भी लेकर के आया था, ये भी लाया था भाई। नहीं है भाई यहाँ तो भाई, घड़ी मिलनी बड़ी जरूरी है। दूसरी ये तो नहीं बताया था तूने, 56। हाँ ये भी लेकर के आया था, देख देख देख। यही तो नहीं है? अरे यही है, यही है वो। अब आज के बाद है ना, इसे अलमारी में छुपा के रखना, अगर जिंदा लोगों के बीच में गिर गई ना बेटा, तो फिर देख लियो नहीं मिलेगी फिर। चल अब भाई, मैं बता रहा हूँ जान बच गई, अभी चलो सुपरवाइजर से मिलते हैं। बीवी से पिटाई तो नहीं होगी बेटा? सुनना, क्या हुआ? ये स्ट्रेचर पर से लाश कहाँ चली गई? फिर रखी नहीं होगी। अरे नहीं यार, 47। अरे रखी थी मैंने इस पे लाश, फिर तो अच्छी तरह याद है कि तूने इसी पे रखी थी। हाँ यार, वो जो चारों लाशों को लेकर के आया था उसमें एक ये भी थी। अभी मुर्दा घर से लाश कहाँ चली जाएगी? अब ऐसा है, चल के सुपरवाइजर साहब को बताते हैं। चल 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 चल। क्या तमाशा लगा रखा है तुम लोगों ने, लाश कैसे गायब हो सकती है? सर पूरा मोर्ग छान मारा है, नंबर 47 वाली लाश कहीं नहीं मिल रही है सर। व्हाट नॉनसेंस, एक तो तुम लोग हो ही काम चोर, और जो भी काम करते हो वो भी लापरवाही से। तुम लोगों ने गलती से लाश इधर उधर कहीं रख दी होगी। पूरा हॉस्पिटल छान मारो जल्दी। यस सर। लाश थी किसकी डॉक्टर अनु? वो मुन्ना की लाश थी। मुन्ना, वो खतरनाक क्रिमिनल मुन्ना जो 3 महीने पहले पकड़ा गया था? जी हाँ, कल सेंट्रल जेल में हार्ट अटैक से उसकी मौत हो गई थी, और वो पोस्टमार्टम के लिए कल जाने वाला था। आपने पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट से पता किया क्या? हो सकता है गलती से लाश पोस्टमार्टम के लिए चली गई। मैंने वहाँ भी पता कर लिया है, उनका कहना है कि वो लाश वहाँ भी नहीं है। तुम दोनों के अलावा मुर्दा घर पर और किसकी ड्यूटी थी? और कोई नहीं सर, पिछले 3 साल से ये ड्यूटी हम दोनों ही कर रहे हैं सर। तो ये भी हो सकता है कि ये लाश गायब करने का नाटक तुम दोनों ने ही किया। मुझे तो ये तुम दोनों की मिलीभगत लगती है। सच बताओ, लाश कहाँ छुपा के रखी है? सर ये लोग हमारे बहुत पुराने वार्ड बॉयज हैं, मुझे नहीं लगता कि ये लोग ऐसा कुछ कर सकते हैं। हाँ सर, हम ऐसा क्यों करेंगे सर? लालच में, पैसों के लालच में। मुर्दाघर में जो लाश है उनके अंग बेचते होंगे तुम लोग? नहीं सर, हम इतनी गिरी हुई हरकत नहीं कर सकते सर। सर हम गरीब जरूर हैं, लेकिन बेईमान नहीं है सर। तो ये सिक्योरिटी गार्ड से पूछताछ कर लेते हैं, शायद उसने कुछ देखा हो। जब लाश गायब हुई तब तुम ही ड्यूटी पर थे ना? हाँ सर। तो क्या उस दरमियान तुमने किसी अनजान आदमी को हॉस्पिटल में आते जाते देखा? नहीं सर, अस्पताल के कर्मचारी के अलावा रात को मैं किसी को जाते हुए नहीं देखा। हो सकता है उस वक्त तुम सो रहे हो या फिर ड्यूटी पर नहीं हो? नहीं सर, मैं ड्यूटी पर कभी नहीं सोता, और ना ही मैं गेट छोड़कर कहीं गया था। सर मुन्ना के आखिरी ठिकाने पर जाकर पूछताछ करनी चाहिए, शायद कोई सुराग मिल जाए। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। दया तो मुन्ना के बारे में कुछ पूछना चाहते थे, मगर मुन्ना की तो कल मौत हो गई। पता है सर, शायद आपको पता नहीं है कि मुन्ना की लाश हॉस्पिटल के मॉर्ग से गायब हो गई है। ये कैसे हो सकता है? इस मुर्दे की लाश मुर्दा घर से गायब कैसे हो सकती है? जिलर साहब, हम भी यही जानना चाहते हैं, क्या आप हमें बता सकते हैं कि मुन्ना की मौत कब और कैसे हुई? कल सुबह 11 बजे हार्ट अटैक से। वैसे अगर वो हार्ट अटैक से नहीं मरता तो 6 दिनों के बाद वो फांसी पर लटक रहा होता। एक बात बताइए सर, जब मुन्ना को दिल का दौरा पड़ा उस वक्त तो कहाँ पर था? अपने सेल में जग्गू के साथ। धंधे की कसम साहिब, अपन को नहीं मालूम वो मुन्ना कैसे टपक गया। ठीक है, जितना मालूम है उतना बताओ, मत सच बताना। वो मुन्ना अपन को होल पट्टी देने लगा, बोला तो खाने के लंबे पहले काई को खड़ा हो गया। तो साहिब अपन के भी सटक गए, अपन ने भी 2 गाली चिपका डाली उसको। अच्छा,
तुम्हारे गाली का असर उसके दिल पर पड़ा और उससे दिल का दौरा पड़ गया। नहीं साहब, ऐसी बात नहीं है। उसके बाद घंटी बज गई। वो कल गुरुवार था ना, पत्थर तोड़ने का दिन, तो मैंने उसको बोला अभी पत्थर तोड़ने का टाइम हो गया है, ये झगड़ा वगड़ा तू बाद में करना। फिर उसने अभी तेरी प्रॉब्लम क्या है? तू क्या आगे चला रहा? तू होता को ऑर्डर देने वाला मुझे? अरे मुन्ना भाई जाने दो, छोड़ मुझे। अरे जाने दो। हां, तेरे को हो क्या जाता है? जब तेरे को जो फड़कता रहता है, ज्यादा बकर बकर मत करना। अभी तो सिर्फ तेरा गला पकड़ा है, अपने पर दबा दूंगा। तूता क्या मेरे को? निकल जाया से। अरे मुन्ना, क्या हुआ तेरे को? देखो क्या हो गया मुन्ना को? मुन्ना, अरे मुन्ना क्या हुआ इसे? बता ना साहब क्या हो रहा है? जल्दी खोलो, जल्दी खोलो ताला। मुन्ना, मुन्ना ये आप मेरे क्या हुआ? मुन्ना 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 देख साहब आ गए। मुन्ना जेलर साहब, इनकी मौत हो गई है, शायद हार्ट अटैक की वजह से। डॉक्टर साहब, आपको पूरा यकीन है कि मुन्ना की मौत हार्ट अटैक की वजह से ही हुई है? ऑफ कोर्स, मैं झूठ क्यों बोलूंगा सर? आप चाहे तो ये रिपोर्ट दूसरे डॉक्टर से भी चेक करवा सकते हैं सर। नहीं, इस रिपोर्ट को दोबारा चेक करने के लिए हमें मुन्ना को दोबारा जिंदा करके दोबारा उसे हार्ट अटैक दिलवाना पड़ेगा, और ये नामुमकिन है डॉक्टर साहब। आप मुझ पर शक कर रहे हैं? हम आप पे ही नहीं बल्कि आप पे भी शक कर रहे हैं, और जब तक हमें तसल्ली नहीं हो जाती आप शक के दायरे में रहेंगे। क्या मुन्ना को इससे पहले ऐसी कोई प्रॉब्लम हुई थी? नहीं, उसका ब्लड प्रेशर थोड़ा हाई रहता था। हाँ, कुछ दिन पहले जब मैं उसका ब्लड प्रेशर चेक कर रहा था तो वो कुछ अजीब सी बात कर रहा था मेरे साथ। कैसी बात? अब वो कह रहा था कि वो मर जाएगा, उसके बाद भी वापस आ जाएगा। मर के वापस आए मतलब? मुन्ना को तीन लोगों का बहुत ज्यादा गुस्सा था, इसलिए वो हमेशा कहता था कि मरने के बाद भी वो इनसे बदला लेने के लिए जरूर आएगा। कैसा बदला? और ये तीन लोग हैं कौन? प्रणब, दिलीप, हितेश। बस छोटी मोटी चोरियां किया करते थे, इन्हीं की मदद से हम लोगों ने मुन्ना को पकड़ा था। तो इसीलिए मुन्ना इन तीनों को मारना चाहता है। तो हो सकता है कि मुन्ना का कोई रिश्तेदार उसकी ख्वाहिश को अंजाम देने की साजिश कर रहा हो। मुन्ना तो बिल्कुल अनाथ था, न कोई परिवार न रिश्तेदार, बिल्कुल अकेला था वो। जिले साहब, हमें दिलीप, प्रणब और हितेश इन तीनों के फोन नंबर्स और एड्रेस चाहिए। प्रणब, दिलीप और हितेश इन तीनों को फोन करके बता दिया ना, क्या मैं उनसे मिलना है? हाँ सर, दिलीप और हितेश से बात हो गई है, दोनों मुंबई से बाहर है। दिलीप कल रात को वापस लौट रहा है। वैसे पूर्वी, ये हितेश कब लौट रहा है? सर, हितेश अपना काम खत्म होते ही वापस आ जाएगा। लेकिन सर, प्रणब मेरा फोन नहीं उठा रहा है। मैंने उसे मैसेज किया था पर कोई जवाब नहीं आया। प्रणब फोन नहीं उठा रहा है? ये तो प्रणब है। गोली माथे पे लगी है, आर पार हो गई है गोली। जैसे ये दरवाजा खोलने गया, खूनी ने गोली सीधे माथे पे मारी और फिर यहां से भाग गया। देखो घर में कुछ मिलता है क्या। सर, इसका मतलब मोहन ने जो कहा वो सच हो गया, मरने के बाद ही आके अपना बदला ले लिया? नहीं पूर्वी, ऐसे कैसे हो सकता है? ये कोई और ही है जो मुन्ना के नाम से बदला ले रहा है। सर, ऊपर हर जगह देख लिया सर, कहीं भी कोई नहीं, लगता है ये आदमी अकेला रहता था।
सही है, देखिए इसके हाथ से एक कपड़े का टुकड़ा मिला है। सर हो सकता है प्रणव और खूनी के बीच में हाथापाई हुई और हाथापाई के दौरान ये कपड़ा इसके हाथ में आ गया हो। सचिन सिर्फ हाथापाई नहीं, ये देखो इसके नाखून में कुछ फंसा हुआ है, लगता है इसने खूनी को खरोचा है। सर ये हमें कैसे पता चलेगा? ये तो डॉक्टर सालों के ही बताएंगे। कहाँ खोया है? खोया नहीं हूँ यार, मैं परेशान हूँ, मैं कंफ्यूज हूँ। सालू के साथ अगर आप कंफ्यूज हो जाएंगे तो हमारा तो फ्यूज उड़ जाएगा। क्या तेरा क्या प्रॉब्लम है बता? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है बॉस के दरवाजे और डोर बेल पर जो उंगलियों के निशान मिले हैं वो मुन्ना की उंगलियों के निशान से मैच होते हैं। क्या? तो क्या मुन्ना ने प्रणव पर गोली चलाई? मगर मुन्ना तो मर चुका था ना सालू के। वही तो, मरे हुए लोगों की आत्मा अपनी अधूरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए वापस आती है। फ्रेडी, चुप रहो। सर ये भी तो हो सकता है कि कातिल ने मुन्ना के फिंगरप्रिंट्स की नकल दरवाजे और डोर बेल पर छोड़ दी हो। नहीं नहीं, ये मुमकिन नहीं। नहीं क्यों? मुमकिन है सारू के, ये मुमकिन है। मगर तू जो कह रहा है ना कि एक चलती फिरती लाश ने किसी पर गोली चलाई, ये मुमकिन नहीं है। बड़ा चालाक दिमाग है ये, बड़ा चालाक दिमाग जिसने भी ये किया है। सड़न के दया ने बताया था कि प्रणव की उंगलियों के नाखूनों में कुछ फंसा हुआ मिला था, क्या था वो? बस इस प्रणव की उंगलियों के नाखूनों में किसी इंसान की चमड़ी का टुकड़ा फंसा हुआ था। इंसान की चमड़ी का टुकड़ा? हाँ सर, और इस चमड़ी का डीएनए मुन्ना के डीएनए से मैच हो रहा है। चमड़ी का डीएनए मुन्ना के डीएनए से मैच हो रहा है? जी सर। अब बताओ बॉस, चलो एक मिनट को मान लेते हैं श्रेया ने जो कहा वो सही है, फिंगरप्रिंट्स की नकल हो सकती है, लेकिन इस डीएनए का क्या? अगर प्रणव के नाखूनों में मुन्ना की चमड़ी का टुकड़ा फंसा हुआ था तो इसका मतलब तो साफ है कि प्रणव ने मुन्ना को नोचा था। सर यानी मुन्ना उस वक्त वहां मौजूद था? तो प्रणव की मौत मुन्ना की मौत के बाद हुई? प्रणव की मौत हुई 8 घंटे पहले और मुन्ना तो 24 घंटे पहले मर चुका था और हार्ट अटैक से मौत हुई है उसकी। यार सारों के ये चक्कर क्या है? चक्कर क्या है ये? मुन्ना जो 24 घंटे पहले मर चुका था वो प्रणव को गोली मारकर खून करता है 8 घंटे पहले। कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। कहीं ये मुन्ना मरा ही ना हो तो? क्या हुआ, रुक क्यों गया? अरे यहां पे ये लाश कैसे आई? तो हाँ ये लाश कैसे आई? पता नहीं, मैंने तो रखी नहीं। देख तो जरा किसकी है। मुन्ना, मुन्ना की लाश। मुन्ना की लाश आई कैसे? सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लाश गायब कैसे हुई, गायब होके वापस कैसे आ गई, इस बात का तो कोई जवाब नहीं है हमारे पास। काम करो पूर्वी, हॉस्पिटल का सीसीटीवी चेक करो। और विनीत सर बाहर जाकर सिक्योरिटी वालों से पूछताछ करो, देखो कुछ पता चलता है क्या। पूछो उनको, क्या उनका किसी पर शक है क्या? सर सर पल्स चल रही है ना ही हार्ट बीट, शरीर एकदम ठंडा पड़ गया सर। सर ये देखिए इसके चेहरे पे ये खून लगा हुआ है और इस शर्ट का कपड़ा सर ठीक ऐसा ही कपड़ा हमें प्रणव के हाथों में मिला था और ये इसके छाती पे यहाँ पे खरोच के निशान भी है।
क्या जब मुन्ना की लाश आपके पास आई थी तो इसी हालत में थी? नहीं सर, कपड़े बिल्कुल ठीक ठाक थे पहले। अब ये खून कहां से आया ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। सर, एक रिक्वेस्ट है, ये मामला पब्लिक को पता ना चले तो अच्छा होगा सर। हमारी हॉस्पिटल की रेपुटेशन का सवाल है सर, प्लीज। सुना दिया, इनके हॉस्पिटल के रेपुटेशन का सवाल है, हा? यहाँ पर ये सब क्या हुआ, कैसे हुआ, उससे कुछ लेना देना नहीं है आपको, है ना? सर, सीसीटीवी कैमरे का फुटेज चेक कर लिया, इस मॉर्ग में ना ही कोई आया है और ना ही कोई यहाँ से बाहर गया। और विनित? सर, सिक्योरिटी गार्ड से अच्छी तरह से पूछताछ की है, लेकिन उन्होंने किसी को आते जाते हुए नहीं देखा। सर, मुन्ना की लाश को फॉरेंसिक लैब भेज दूं क्या? नहीं फ्रेंड, अभी नहीं। अभी तो सिर्फ मुन्ना की लाश के ऊपर के जो कपड़े हैं वो, और उसके चेहरे पर जो खून के धब्बे हैं, उन्हें फॉरेंसिक लैब भेज दो। फॉरेंसिक की रिपोर्ट के मुताबिक मुन्ना के चेहरे पर जो खून मिला है वो प्रणव के खून से मैच करता है। और सर, प्रणव के हाथ पे जो कपड़े का टुकड़ा मिला है वो मुन्ना की लाश पर पहनाए गए कपड़ों से मैच करता है। सर, पहले प्रणव के नाखून में इस मुन्ना के चमड़ी के अंश मिले और अब मुन्ना के चेहरे पर प्रणव का खून मिला। यानी सर, प्रणव का खून मुन्ना ने किया है? यार, एक मुर्दा कैसे किसी का खून कर सकता है, कैसे किसी का खून कर सकता है? प्रणव का खून किसी और ने किया है। कुछ समझ ही नहीं आ रहा है सर, आखिर ये सब कर कौन रहा है? कर कौन रहा है ये तो पता चल ही जाएगा, मगर क्यों कर रहा है इसका तो अंदाजा है हमें। प्रणव से बदला लेने के लिए खून किया गया उसका। सर, एक और बात समझ में नहीं आ रही, जो आदमी मुन्ना की डेड बॉडी का फायदा उठा रहा है वो खून करने के बाद मुन्ना की डेड बॉडी को फिर से मॉर्ग में क्यों ला रहा है? वही तो। और तो मुन्ना की लाश को हॉस्पिटल से बाहर निकलते हुए या फिर निकालते हुए कैसे किसी ने नहीं देखा? क्या हॉस्पिटल का कोई और भी रास्ता है जहां से उसे बाहर निकाला गया? तो मुझे पूरा शक है कि सब में हॉस्पिटल के स्टाफ में से कोई इन्वॉल्व है सर। हाँ भैया, ये हॉस्पिटल का ही कोई है, हॉस्पिटल का ही। फिर क्या करें सर, आखिर इस बात का पता कैसे चलेगा कि मुन्ना जिंदा है या मर गया? पता चल जाएगा विनीत, जल्दी पता चल जाएगा। सचिन को मुर्दा घर पर तैनात किया गया है अंदर आने जाने वाले लोगों पर नजर रखने के लिए, और फ्रेडी को दिलीप के घर भेजा है। मतलब सर, मुन्ना अपना अगला वार दिलीप पर करेगा? हो सकता है। बस अब देखना सिर्फ यही है कि दिलीप पर वार करने के लिए मुन्ना की लाश हॉस्पिटल से चलकर आती है या फिर। यार, उस मुर्दा घर के अंदर लाशें जिंदा होकर गायब हो रही है और ये सीआईडी भी हम पे शक कर रही है। हाँ यार भाई, मैं तो कहता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके हमें ये नौकरी छोड़ देनी चाहिए, पता है? कहीं पे जाकर के कोई दूसरी नौकरी पकड़नी चाहिए, कितनी खतरनाक जगह होती चली जा रही है ये। सही कह रहा है, हो सकता है वो लाश किसी दिन हमारा अगला पकड़ ले। तो पकड़ेगी ना, और क्या। उधर क्या देख रहा है? आप कोने में देखो, कोई बूढ़ा सा आदमी बैठा हुआ है यार। वो कोने में बैठ के क्यों रो रहा है भाई? हाँ, सर देखिए सर, मुझे बहुत डर लग रहा है सर। वो कभी भी आ सकता है सर, वो कभी भी आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है। आत्मा के लिए क्या दरवाजा, क्या खिड़की? क्यों, मतलब डर क्यों रहे हो? मैं हूं ना बहादुर, निडर, सीआईडी का सबसे बेहतरीन ऑफिसर। डरना नहीं, सो जाओ। थैंक यू सर, सो जाओ। हेलो सर। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं हूं ना, मैंने सब चेक कर लिया है। दिलीप सो गया है, आप भी सो जाना। गुड नाइट।
क्या हुआ चाचा? जवान बेटा मर गया है। चाचा हम आपका दुख समझते हैं, लेकिन यहाँ पे बैठना अलाउ नहीं है, आप घर चले जाइए। चले जाऊंगा बेटा, एक बार मेरे बेटे का शरीर मिल जाए। चाचा देखिए, पोस्टमार्टम तो कल ही हो पाएगा, आप डॉक्टर से मिलके बात क्यों नहीं कर लेते? नहीं नहीं बेटा, मुझे किसी डॉक्टर वॉक्टर से बात नहीं करनी, मुझे बस मेरे बेटे का शरीर दिलवा दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरे बेटे का शरीर दिलवा दो, मुझे नहीं जाना बेटा। मुन्ना की आत्मा? हाँ हाँ, सचिन सर, मुन्ना के आत्मा ने दिलीप को मार दिया। क्या बोल, मुन्ना ने दिलीप को मार दिया? ये कैसे हो सकता है? मैं मॉर्ग के बाहर ही बैठा हूँ और यहाँ से अब तक कोई नहीं निकला। नहीं नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने अपनी आंखों से मुन्ना की आत्मा को देखा है। ठीक है, मैं देखता हूँ। रेडी, मैंने कहा ना कि मुन्ना की लाश यहीं पे। नहीं सर, आंखों से देखा है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। ऐसा कैसे हो सकता है? रेडी, मुन्ना के माय गॉड, ये क्या? अरे इसके चेहरे पे तो फ्रेश खून लगा हुआ है। जरूर ये मुन्ना फिर से रात को हॉस्पिटल से बाहर गया था, वरना इसके चेहरे पर ये खून आएगा कहां से? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है सर? आप ही ने तो कहा था कि आपका एक आदमी रात भर मॉर्ग के बाहर बैठा हुआ था, उन्होंने भी तो मुन्ना को बाहर जाते हुए नहीं देखा ना। कोई हमारे हॉस्पिटल की रेपुटेशन खराब करना चाहता है सर, इसलिए ये सब कर रहा है। आप लोग कहना चाहते हैं कि हमारे ऑफिसर साहब के स्टाफ पे झूठा इल्जाम लगा रहे हैं? बकाया वारदात पे मुन्ना मौजूद था, ये बात भी झूठी है? उसकी उंगलियों के निशान मिले हैं प्रणब के घर के पास, और दिलीप के घर के पास फ्रेडी सर ने खुद उसे अपनी आंखों से देखा है। लेकिन एक बात पक्की है, ये जो भी कोई है ना, वो आप ही के हॉस्पिटल का ही कोई है, और हम पता लगा कर ही रहेंगे कि ये है कौन और क्यों कर रहा है। सर चेक किया मैंने, इसके चेहरे पर जो खून के छींटे हैं वो दिलीप के ही है। ओ, तो इसका मतलब दिलीप का खून भी इस मुन्ना ने ही किया है। सर ये देखिए। क्या? सर ये देखिए, ये मुन्ना मर चुका है लेकिन उसके सेल्स अभी भी सही सलामत है। इसका मतलब ये क्लिनिकली डेड नहीं है, तो फिर इसके जिंदा रहने का कोई सिम्टम क्यों नहीं दिखाई दे रहा? मैंने अपने करियर में ऐसा पहले कभी नहीं देखा। यह आदमी मर चुका है लेकिन इसके बॉडी में राइगर मोर्टिस क्यों नहीं सेट हुआ? बॉडी सड़नी चाहिए, गलनी चाहिए, सफेद पड़नी चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ये इंसान बिल्कुल नॉर्मल है सर, ऐसा कैसे हो सकता है?
तो ये बात है। क्या क्या हुआ सर? कारिका, इस मुन्ना के ब्लड में मुझे एक अजीब किस्म का केमिकल दिखाई दे रहा है जो नॉर्मली इंसान में होता नहीं। सर सर, कहीं इसी केमिकल के वजह से इसके सेल्स तो जिंदा नहीं है? हो सकता, यू आर राइट, हो सकता। फिलहाल ये केमिकल है क्या, इसकी अच्छी तरह से जांच करनी पड़ेगी। मैं आता हूँ, यू कैरी ऑन। ऐसा कैसे हो सकता है? एक मरे हुए आदमी के सेल्स इतने हाइपर एक्टिव कैसे हो सकते हैं? बॉडी बॉडी कहाँ गई? कैसे? समझ में नहीं आता था कि एक लाश दो दो खून करती है और तारिका पर हमला करती है, और सर हमला करने के बाद गायब भी हो जाती है। वही तो। डॉक्टर, तारिका आखिर हुआ क्या था? मैं वो माइक्रोस्कोप में मुन्ना के ब्लड सेल्स चेक कर रही थी कि अचानक मैंने देखा कि मुन्ना की डेड बॉडी वहां से गायब हो गई। मैं स्ट्रेचर के आसपास ढूंढ ही रही थी कि अचानक मुझ पर किसी ने हमला कर दिया। तुमने हमलावर का चेहरा देखा? नहीं सर, और लैब में उस वक्त मेरे अलावा और कोई भी नहीं था। मगर मुन्ना की लाश थी ना वहां पे, कहीं मुन्ना की आत्मा। चुप। क्या बात है भाई, आज माहौल बड़ा टेंस है। तेरी वजह से। मेरी वजह से? मेरी वजह से क्यों? मेरी वजह से क्यों? संखे, तेरे लैब में से एक लाश गायब होती है और तू पूछ रहा है कि मेरी वजह से क्यों? अरे यार, तो इसमें मुझ पर उंगली क्यों उठा रहे हो? मैंने क्या किया? सुना? हॉस्पिटल का डॉक्टर कहता है कि मैंने क्या किया, हमारा फोरेंसिक सर्जन कहता है कि मैंने क्या किया, तो अब तू ही बता सारुंखे कि मैं क्या करूं? सर, हॉस्पिटल सील कर दें? नहीं नहीं, बस मेरे पास इससे बेटर एक आइडिया है। देखो बॉस, मुन्ना तो सिर्फ एक मोहरा है, असली शतरंज का खिलाड़ी कोई और है। तो फिर सारुंखी, असली शतरंज का खिलाड़ी कौन है, बता जल्दी। ये पता लगाने के लिए आपके सीआईडी ऑफिसर्स में से किसी एक को मुन्ना की तरह से मरना पड़ेगा। क्या? हाँ, और फिर मुर्दा बनकर मुर्दा घर में भी जाना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, आप ये कहना चाहते हैं कि असली खूनी को पकड़ने के लिए हम में से किसी को अपनी जान देनी पड़ेगी? हाँ, exactly. Exactly. मजाक है, जान देनी पड़ेगी। अरे यार, भरोसा करो मुझ पर, इतने सालों का साथ है हमारा, बिलीव मी, मुझ पर भरोसा करोगे तो खूनी को जल्दी पकड़ लोगे। किया भरोसा? कैसे मरा ये? क्या हुआ था? एक्सीडेंट केस है डॉक्टर, ऑन द स्पॉट डेथ। जो क्या हॉस्पिटल से लाई हूँ। टीटू सर, बॉडी को मार्ग लेके जाओ, ये पुलिस केस है तो पोस्टमार्टम करना पड़ेगा। ओके सर।
यहां से निकलने का कोई तो खुफिया रास्ता जरूर होगा। समझ में नहीं आ रहा मुन्ना यहां से बाहर निकलता कैसे था। यानी इस मुर्दा घर का दरवाजा यहां है। मिल गया सर, इस वक्त मॉर्ग में जितने भी लाशें हैं सबके नाम और नंबर हमें दोबारा चेक करने पड़ेंगे। मुझे लगता है इनकी गिनती में कुछ गड़बड़ है। हाँ गड़बड़ तो है, मगर आप चिंता ना कीजिए, रात तक शायद आपका टोटल टैली भी हो जाएगा। वो सारी लाशें मुर्दाघर पर वापस आकर अपने आप स्ट्रेचर पर लेट भी जाएगी। ऑफिसर आप क्या कहना चाह रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम आपको सब कुछ समझाने ही तो आए हैं, क्योंकि ये सारा मामला हमारी समझ में आ गया है। वो क्या है ना डॉक्टर, हमने एक बहुत दिलचस्प खोज की है जिससे सारी गुत्थी सुलझ गई। कैसी खोज, आप लोग साबित क्या करना चाहते हैं? यही कि एक मरा हुआ आदमी जिंदा कैसे होता है। व्हाट रबिश, ये नामुमकिन है। क्यों नामुमकिन है डॉक्टर गार्गी, क्यों नामुमकिन है? आपके हॉस्पिटल में जो चमत्कार हुए उन्हें देखकर तो लगता है कि ये बिल्कुल मुमकिन है। What nonsense? हम डॉक्टर्स सिर्फ साइंस पे विश्वास रखते हैं, चमत्कारों पर नहीं। अच्छा तो फिर हम आपको एक चमत्कार दिखाई देते हैं। विनीत, ये कैसे हो सकता है? ये इम्पॉसिबल है, ये जिंदा कैसे हो सकता है? ये तो हमारी खोज का कमाल है डॉक्टर नरु, ये मरा हुआ आदमी जिंदा हो गया। ये नामुमकिन है, ये मरा ही नहीं होगा। मगर आपने खुद रजिस्टर में एडमिशन के समय लिखा था कि विनीत को यहाँ पे मरा हुआ लाया गया। ब्रॉट डेड ऑन अराइवल। हाँ लेकिन मैंने इसके नर्व चेक की थी, हार्ट बीट भी चेक किया था, ये मरा हुआ ही था। इसका वापस जिंदा हो जाना ये हो ही नहीं सकता। ये हो सकता है, मरा हुआ आदमी जिंदा हो सकता है इस केमिकल की वजह से। रिबर्टो, ये आपको कहाँ से मिला? आप ही की कैबिन में से गार्गी जी, आप ही की कैबिन में से। साजिश तो आपने अच्छी रची थी डॉक्टर गार्गी, एक ड्रग देके मुन्ना को मुर्दा करती थी और दूसरी ड्रग से उसे जिंदा। लेकिन ऐसा कोई ड्रग है नहीं जिससे ऐसा करना पॉसिबल हो। इट इज पॉसिबल डॉक्टर गार्गी, ये संभव है। मैंने मुन्ना का ब्लड टेस्ट किया था और मुन्ना के ब्लड टेस्ट में मुझे डाइवर्ट नाम का केमिकल मिला, जिस केमिकल की वजह से इंसान के दिल की धड़कनें इतनी कम हो जाती हैं कि इंसान मरा हुआ जान पड़ता है, उसकी नब्ज नहीं मिलती है। और उसके कुछ घंटों के बाद अगर उसी इंसान को रिवर्टो नाम का केमिकल दिया जाए तो उसकी दिल की धड़कनें वापस से नॉर्मल हो जाती हैं, वो फिर से जिंदा जैसा लगता है। और ये ड्रग्स मुन्ना को तुम दे रही थी? ये सब झूठ है। अच्छा, क्या ये भी झूठ है कि जब आपकी ड्यूटी रात 7 बजे खत्म हो जाती थी फिर भी आप देर रात तक हॉस्पिटल में रुकती थी? वो तो मैं कभी कभी ओवरटाइम करती थी। नहीं 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 डॉक्टर गार्गी, ओवरटाइम नहीं,
बल्कि अपने काम को अंजाम दे रही थी, मुन्ना को हॉस्पिटल के मुर्दाघर से बाहर निकाल कर, और वो भी इस खुफिया दरवाजे से जहां से विनीत अंदर आया है। ये वही खुफिया दरवाजा है ना जो मुर्दाघर में खुलता है? क्यों डॉक्टर गार्गी? हाँ, मैं ही मुन्ना को वो ड्रग्स देती थी और मैं ही उसे बाहर लेके जाती थी, लेकिन ये सब मैंने किसी के दबाव में आकर किया। किसके दबाव में आकर? रमेश। कौन रमेश? मुझे नहीं पता सर, मैं उससे कभी मिली नहीं, हमेशा फोन पर बात करता था, लेकिन हाँ आज उसने मुन्ना को शांतिनगर के पब्लिक पार्क में भेजने को कहा था। सर, ये प्रणब और दिलीप मर चुके हैं, यानी मुन्ना अब अपने तीसरे साथी हितेश को मारने की कोशिश करेगा। मुझे फंसाया था ना हितेश, तुझे मारने के बाद मेरा बदला पूरा हो गया। ये तो पुतला है, हितेश कहाँ गया? तेरे पीछे गन। तुझे क्या लगा कि दिलीप और प्रणव की तरह तू मुझे भी मार देगा? लेकिन तुझे ये नहीं पता कि उन दोनों को मैंने ही मरवाया था। सारा मेरा ही प्लान था, एक मुर्दा कैसे लोगों के खून करेगा। मेरे प्यारे मुन्ना, लेकिन अब ये मुर्दा किसी का खून नहीं कर सकेगा। तो ये सारा प्लान तेरा था? सारा नाटक मेरा ही तो रचा हुआ था। जिंदा मुर्दा और मुर्दा जिंदा, मैंने ही डॉक्टर गार्गी को रमेश बनकर फोन किया था। अब नाटक का आखिरी सीन है, क्लाइमेक्स में तुझे मरना होगा, तभी तो मेरी पिक्चर कंप्लीट होगी। सॉरी यार। बट और किसी का खेल खत्म नहीं कर सकेगा तू। बड़ा अच्छा प्लान बनाया था तुमने, लेकिन हमने तुम्हारा प्लान फेल कर दिया। तुम भूल गए कि हम सीआईडी वाले गड़े हुए मुर्दों से भी सच चुगलवा लेते हैं, समझे? मेरा प्लान फेल नहीं हुआ, मैंने अपना बदला लिया। मुन्ना के हाथों से प्रणव और दिलीप दोनों को मरवा दिया। तुम इस मुन्ना को क्यों मारना चाहते थे? इसे पकड़वाने में मेरा ही हाथ था, मैंने ही पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी थी। जब मुन्ना जेल में था तब मैं उस पर कड़ी नजर रख रहा था। क्यों? क्योंकि मुझे डर था कि मुन्ना जेल से भागकर सबसे पहले मुझे ही खत्म करेगा। लेकिन तुम मुन्ना को नहीं मार पाए, बल्कि खुद पकड़े गए। अब जरा मुन्ना जी को यह भी बता दो कि इसे जेल में हार्ट अटैक कैसे आया था। एक साथी की मदद से मैंने मुन्ना के खाने में डाइवर्ट ड्रग मिला था, जिसकी वजह से इसके दिल की धड़कनें धीमी हो गई और सबको लगा कि ये मर चुका है। कौन है तुम्हारा साथी? जग्गू। वही जग्गू जिसने मुन्ना के साथ जेल में झगड़ा किया था? हाँ, मैंने उसे कुछ पैसे दिए थे और उसने मेरा काम किया। मगर प्रणव और दिलीप को क्यों मारा तुमने? मुन्ना के पैसों के लिए, वो हम तीनों आपस में बांटने वाले थे। मगर वो सारा पैसा तुम अकेले हड़पना चाहते थे, इसलिए तुमने मुन्ना के हाथों दिलीप और प्रणव को मरवा दिया है ना?
मुन्ना को तो पहले ही फांसी सुनाई जा चुकी है, अब बारी तुम्हारी है फांसी के फंदे पर चढ़ने की। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.